उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। बता दें, सीएम योगी का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। अपने दौरे की शुरुआत सीएम योगी ने रामलला के दर्शन के साथ की। उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर पहुंचकर रामलला का आशीर्वाद लिया, साथ ही हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन किए। उसके बाद जीआईसी ग्राउंड में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वासियों को लगभग 1,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी दी। यहां सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। आप भी सुनिए। भारत माता की, अयोध्या की आवाज नहीं है ये। अब तो अयोध्या का उत्साह दुनिया के अंदर सातवें आसमान पर दिखना चाहिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है एवं घोष, आपका इतना गूंजना चाहिए कि पूरे देश के अंदर पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या की सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में आज इस समारोह में उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू जी महाराज, जिनका आपने भी भाषण सुना है, लगातार प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में अहर्निश दिन रात एक करते हुए उन्होंने अयोध्या को सजाने संवारने और उस विजन को जिसके लिए राम भक्तों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उस संकल्पना को साकार करने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, ऐसे श्री लल्लू सिंह जी, हमारे महापौर, जिन्होंने महापौर बनने के बाद अयोध्या के सजाने संवारने और स्वच्छता के एक नए मानक को स्थापित अयोध्या के माध्यम से किया है, ऐसे पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोनी सिंह जी, अयोध्या के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक बीकापुर डॉक्टर अमित चौहान जी, माननीय विधायक रुदौली रामचंद्र यादव जी, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी जी, पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी, लोकसभा के प्रभारी श्री कृष्ण शास्त्री जी, महानगर प्रभारी श्री विजय प्रताप सिंह जी, डॉक्टर बांके बिहारी मणि त्रिपाठी जी, ओम प्रकाश सिंह जी, रामकृष्ण तिवारी जी, अभिषेक मिश्रा जी, अवधेश पांडे जी, भारी संख्या में अयोध्या जनपद के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, प्रभु रामलीला के भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में विराजमान होने के उपरांत इतने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनवरी से लेकर के और 10 मार्च तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रभु रामलला का दर्शन अयोध्या धाम में आकर के किया और प्रभु की ऐसी कृपा, प्रभु की ऐसी कृपा कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से, इतना सौहार्दपूर्ण तरीके से दर्शन हो सके, सुगमता के साथ, सुरक्षित तरीके से, स्वच्छता तरीके से और आतिथ्य सेवा का भी अद्भुत उदाहरण अयोध्या धाम वासियों ने किया है। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस दिन को देखने के लिए
जो अवसर हम सबको प्रदान किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार कोटि कोटि अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आभार भी व्यक्त करता हूं। बहनों भाइयों, आज अयोध्या का नाम पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है ना। आज हर कोई अयोध्या आना चाहता है ना। जो लोग पहले बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, अब 1 करोड़ श्रद्धालु तो ऐसे ही आ गए। बोलते थे ना, अब आप देखो 1 करोड़ तो आज भी नहीं आया था, पूरा भरा हुआ है। मैं हनुमानगढ़ी जी का भी दर्शन करने के लिए गया था और रामलला जी के भी दर्शन करने के लिए गया था। मैं रामनवमी की तैयारी देखने के लिए भी आया था, अभी से तैयारी हमारी होती। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है। आप मुझे बताइए, अयोध्या के लिए कार्य हुआ है ना? आप मुझे बताओ, इस सपा की सरकार होती क्या एयरपोर्ट बन गया होता क्या? अयोध्या में जो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनी है, क्या समाजवादी पार्टी बना पाती क्या? क्या उम्मीद करते हैं क्या? ये सुरक्षित माहौल और स्वच्छता का जो मानक आपने अयोध्या में देखा है, क्या ये सपा बसपा या कांग्रेस के लोग दे पाते क्या? और आज अयोध्या आने के लिए देश और दुनिया का हर श्रद्धालु आतुर दिखाई दे रहा है, क्या उनके कारण क्या? इस सपा बसपा के कारण है, सपा कांग्रेस के कारण संभव था क्या? आज तो दुनिया, हर व्यक्ति जिसके मुंह से सुनो, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, उद्योगपति हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, राजनेता हो या फिर नौकर साह हो, हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहते हैं। हर व्यक्ति की एक इच्छा है। और आप तो साक्षात अयोध्या के वासी हैं, आपका जन्म और जीवन और पूरी पीढ़ी पर गई। क्या आपको वह दिन देखने को मिला 500 वर्षों से जिस दिन की प्रतीक्षा थी, वह दिन आज डबल इंजन सरकार के कारण आपको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आनंद से भाव विभोर होकर के हम सबको अपने जन्म और जीवन को धन्य मानना चाहिए कि हम जन्म और जीवन दोनों हमारा धन्य हुआ और अब अयोध्या एक नई प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकती है। आपने देखा होगा इतनी चौड़ी सड़कें, जिधर जाइए आप 4 लेन 6 लेन की सड़क, दिव्य और भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या। और इस दिव्य और भव्य और नव्य अयोध्या के लिए कुछ नई सौगात लेकर के आए हैं। बहनों और भाइयों, अयोध्या के लिए डबल इंजन सरकार 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य कर रही है या करा चुकी है या करा रही है। अकेले एयरपोर्ट को याद देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई सोचता था इतना बड़ा एयरपोर्ट अयोध्या में बनेगा? आज इतनी ज्यादा फ्लाइट, जहां से देखो हर व्यक्ति चाहता, हम भी एक फ्लाइट चलाना चाहते हैं, हम भी एक नई फ्लाइट के साथ आना चाहते हैं। नए होटल आ रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, टैक्सी की सेवा बढ़ रही है, गाइड का प्रशिक्षण हो रहा है और 4 लेन और 6 लेन की सड़कें जहां से देखो अयोध्या को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था ना कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम सिटी के रूप में विकसित करेंगे। आज परिकल्पना साकार हो रही है, उसी को साकार करने के लिए हम लोगों ने यहां पे 2017 में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया था। हम लोग जब दीपोत्सव का आयोजन करते थे, लोग बोलते थे ये तो एक औपचारिकता है। हम कहते थे औपचारिकता नहीं है, ये भगवान राम के आगमन के पहले की तैयारी है। चिंता मत करो, ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु के आगमन के पूर्व की तैयारी की जा रही है। अयोध्या वासियों को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। और मैं तो हमेशा आता था,
प्रधानमंत्री जी हमेशा पूछते थे अयोध्या में क्या हो रहा है, और देखो दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। इस वर्ष तो 54 देशों के राजदूत भी आए थे। नया घाट, राम जी की पेड़ी, क्या भव्य और दिव्य रूप में हम सबके सामने है। कोई कल्पना करता था ऐसे होगा? राम पद, भक्ति पद, धर्म पद, कोई सोचता था ऐसा होगा? और टेढ़ी बाजार से जो फ्लाईओवर बने हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बने, कोई सोचता था अयोध्या में ऐसा होगा? एक भी व्यापारी उजड़ा नहीं, सबका पुनर्वास हुआ और सबका व्यवसाय भी कई गुना बढ़ा। जब मैंने वेद प्रकाश गुप्ता से पूछा, अपने विधायक जी से, मैंने कहा क्या जब लोग हम सड़क चौड़ीकरण कर रहे थे तब लोग कुछ विरोध कर रहे थे और आज उनका व्यवसाय कितना बड़ा हो? उन्होंने कहा 50 गुना बढ़ चुका है, 50 गुना। भाइयों बहनों, ऐसी प्रगति होती है। और आज अयोध्या को कुछ नया देने के लिए आए हैं, लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है 40 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन और 40 का शिलान्यास। आप सोचिए ये सोलर सिटी, अयोध्या तो सूर्यवंश की राजधानी थी, भगवान राम तो सूर्यवंश में पैदा हुए थे, और सूर्यवंश की राजधानी देश की पहली सोलर सिटी बन रही है, इसकी भी मैं बधाई देने के लिए आज आपके पास आया हूं। यानी पहली सिटी दुनिया की सोलर सिटी बन रही है, और वो अयोध्या धाम हमारा बन रहा है। अयोध्या धाम सोलर सिटी, भगवान सूर्य के ये रोशन से जो धूप होगी इसी से यहां की सड़कें जगमगाएंगी, सौ स्ट्रीट लाइट जलेगी, लोगों के घरों में बिजली तो जलेगी, उसी सोलर लाइट से ही जलेगी। पैनल लगाए जा रहे हैं 40 मेगावाट का, इससे पहले भी प्रधानमंत्री से हमने उद्घाटन कराया था। ये जितनी सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं इसलिए है जिससे अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो। अयोध्या इसलिए भी हमारे लिए दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने का यह सपना है बहनों भाइयों, जिससे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर सके। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित अयोध्या और भव्य और नव्य अयोध्या आवश्यक है। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? क्या ये जो काम अयोध्या में हुआ है, क्या ये काम सपा और कांग्रेस के लोग करा पाते? अरे मैं पूछना चाहता हूं अयोध्या वासियों से, दोनों हाथ लगा के बोलो, क्या ये करा पाते? आपको लगता था ये कराएंगे? तो जब वे न आपकी आस्था का सम्मान कर सकते हैं, न आपकी आजीविका की व्यवस्था कर सकते हैं, न गरीब को अन्न योजना का लाभ दे सकते हैं, न गरीब को आवास दे सकते हैं, न उनके द्वारा किसी गरीब का कल्याण करना है, न दवा की व्यवस्था करनी है, न पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, न किसी प्रकार की सुविधा किसी गरीब को देना है, न विकास के कार्य करना है, न नौजवान को रोजगार देना है, न बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देनी है, और न आस्था को इस सम्मान देना है। तो फिर इनको अपने सिर में बोझा बना करके ढोने के लिए हम मजबूर थोड़े हैं? इस बोझे को उखाड़ फेंको देश से, और इसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरा देश आज चिल्ला रहा है, एक ही आवाज में चिल्ला रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक ही आवाज है कि फिर एक बार, पीछे से भी आवाज आए, फिर एक बार, मोदी सरकार की आवाज फिर से देश के अंदर आ रही थी। फिर एक बार, यानी फिर एक बार का मतलब तीसरी बार मोदी जी जब आएंगे तो देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके भारत को विकसित देश राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। और आज उसी के हम लोग आपके पास आए आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हमारा देश विकसित होगा, खुशहाल होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ को काम होगा, हर किसान के खेत में पानी होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगा,
और गरीब को भरपेट भोजन की सुविधा होगी, रोजगार की सुविधा होगी। और इसी के लिए सरकार कार्य कर रहे हैं। हम बहुत शीघ्र एक फैमिली आईडी प्रारंभ करने वाले हैं। फैमिली आईडी का मतलब, अब तक जिनको जो योजना की लाभ मिला है वो तो मिलेगा ही, जिन योजनाओं का वह पात्र था नहीं मिल पाया है, फैमिली आईडी उसके बारे में बताएगी और स्वतः उस योजना का लाभ लेकर उसके घर चली जाएगी। ये योजना, ये कार्ड, यही राम राज्य है। और उसी राम राज्य को आने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। और इसीलिए लल्लू जी महाराज से मैंने कहा, देश को छोड़ो, केवल पहले अयोध्या धाम में ही बैठ करके अब जनता जनार्दन के बीच में जाकर के इन उपलब्धियों के साथ जाइए। लल्लू महाराज से सब खुश है ना, सभी लोग खुश है ना, सभी लोग खुश है ना, तो इसीलिए उनको लेकर के एक बार फिर मैं पकड़ के लेके आया उनको कि भाई अब कुछ दिन कथा वार्ता अयोध्या धाम में ही हो, सब सहमत है ना। तो उनको फिर से पार्टी ने यहां प्रत्याशी बना दिया और वे फिर आए हैं पूरा अखाड़ा सजाने के लिए। सभी लोग सहमत है ना, सभी लोग सहमत है ना। ऐसा सरल, सहज और मिलनसार व्यक्तित्व, एकदम रामधुन में मस्त रहते हैं, पूरे देश के अंदर जाते हैं कि पहचान बहुत रखते हैं अयोध्या का। और उन्हीं के प्रस्ताव पर हम लोगों ने नाम भी बदल करके अयोध्या रख दिया, जिले का नाम भी और कमिश्नरी का नाम भी। देखो प्रभु सारा काम कराते रहते हैं, अपना माध्यम कोई बनेगा, सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये लोग बनेंगे माध्यम, लेकिन काम तो प्रभु का ही होता है। राम मंदिर का फैसला होना था, प्रभु ने पहले प्रेरणा दे दी दीपोत्सव में कि दीपोत्सव करा रहे हो तो कम से कम नाम तो ठीक कर लो पहले। अयोध्या रख लिया था ना, और अयोध्या नाम रखने से बड़ा फायदा हो गया था जिस दौरान। और अब अयोध्या नाम रखने पर, जब अयोध्या नाम है, जिले का भी, कमिश्नरी का भी, नगर निगम का भी, तो फिर प्रभु को तो विराजना ही विराजना था फिर तो। और अयोध्या के मेरे बहनों और भाइयों, आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं। आतिथ्य सेवा का जो अनुपम उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, पूरा देश अभिभूत है अयोध्या वासियों के व्यवहार से, हर व्यक्ति अभिभूत है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, लोग सिर माथे पर बिठा करके आपको सम्मान करेंगे, और इस बात के लिए सम्मान करेंगे क्योंकि अयोध्या ने आतिथ्य धर्म का निर्वहन करके प्रभु राम लला के आगमन के विराजमान होने के बाद जिस अद्भुत उदाहरण को यहां प्रस्तुत किया, नई अयोध्या, नव अयोध्या को बनाने में जो योगदान किया है, वो सचमुच पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज के इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं एक बार फिर से अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं, ये डॉरिंगटन की सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल करके आपके विकास के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी समृद्धि के लिए और आपका स्थान आस्था का सम्मान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।